की इस वीडियो में हम कैमरा कंपेयर करेंगे बिटवीन OnePlus 70 एंड iPhone 12 के बीच में। वीडियो बहुत ज्यादा यूनिक, इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग होने वाला है। OnePlus 70 जिसमें बहुत ही तगड़ा कैमरा सेटअप देखने मिलता है एंड 2019 का फोन है, एंड उसके कंपेयर iPhone 12 जिसमें डबल कैमरा सेटअप देखने मिलता है एंड डेफिनेटली फोटोग्राफी कैमरा iPhone 12 का फोटोग्राफी आप कर सकते हो। तो इन दोनों फोन के बीच में जितने कैमरे मोड से सारे एक्सपेक्ट एंड एवरी पॉसिबल मोड्स को मैंने ट्राई किया है, टेस्ट किया है, कंपेयर किया है एंड आप लोग के साथ शेयर किया है छोटी सी वीडियो में। OnePlus 70 में ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने मिलता है। मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का f1.6 अपर्चर के साथ 26 mm का वाइड लेंस है, फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस का सपोर्ट है, OIS का सपोर्ट है एंड सेकंड लेंस है 12 मेगापिक्सल का f2.2 अपर्चर के साथ, 51 mm का टेलीफोटो लेंस है एंड यहां पे 2x का ऑप्टिकल जूम है। थर्ड लेंस है 16 मेगापिक्सल का f2.2 अपर्चर के साथ, 17 mm का अल्ट्रा वाइड लेंस है, ऑटो फोकस का सपोर्ट है एंड ड्यूल LED फ्लैश HDR पैनोरामा का सपोर्ट है। वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हो 4K एट 60fps में एंड OnePlus 70 के अपोजिट iPhone 12 में डबल कैमरा सेटअप देखने मिलता है। 12 मेगापिक्सल का f1.6 अपर्चर, 26 mm वाइड लेंस, फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस OIS का सपोर्ट है, सेकंड लेंस 12 मेगापिक्सल का f2.4 अपर्चर, 13 mm का 120 डिग्री वाला अल्ट्रा वाइड लेंस देखने मिलता है, ड्यूल LED ड्यूल टोन फ्लैश HDR पैनोरामा का सपोर्ट है एंड वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हो 4K एट 60fps पे। एक पॉइंट, एक फॉर्मेट होना चाहिए जिससे आपको देखने में मजा आए और थोड़ा एंटरटेनिंग लगे। तो ये सारे पॉइंट्स एंड फॉर्मेट मैंने क्रिएट किया, नीचे कमेंट करके बताओ ये कैसा लगा। अगर ये पॉइंट फॉर्मेट सही है तो नेक्स्ट कैमरा रिव्यू वीडियो में भी हम सेम फॉलो अप लेंगे, अगर सही नहीं है तो इंप्रूवमेंट करेंगे। बस आप नीचे कमेंट करके बताओ कैसा है। शुरू करते हैं हमारा पहला पॉइंट डेलाइट फोटोज से एंड मैंने यहाँ पे फोटो क्लिक किया है दोनों फोन से, एक नॉर्मल मोड पे एंड पोर्ट्रेट मोड पे। पोर्ट्रेट मोड में आपको आगे दिखाऊंगा, सबसे पहले आप डेलाइट मोड पे ये फोटो देखो एंड डेफिनेटली यहाँ पे अगर आप देखोगे ऑब्जेक्ट पे जो डिटेलिंग है iPhone 12 में ज्यादा बेटर है OnePlus 70 के कंपेयर एंड थोड़ा पीछे आप पेड़ देखोगे तो थोड़ा सेचुरेट हो गया है, तो कलर बैलेंस यहाँ पे iPhone 12 ने बेटर मेंटेन किया। ये फोटो मैंने क्लिक किया है नॉर्मल मोड एंड वाइड एंगल मोड पे, तो नॉर्मल मोड में आपके साथ शेयर करूंगा, वाइड एंगल मोड आगे शेयर करूंगा जो वाइड एंगल के शॉट्स है। दोनों फोन ने बहुत ही सही फोटो क्लिक किया है एंड अगेन iPhone 12 में डिटेलिंग थोड़ा बेटर है OnePlus 70 के कंपेयर एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हो iPhone 12 ने थोड़ा सा सेचुरेट किया है फोटो को OnePlus 70 के कंपेयर। अगर आप क्लोज ऑब्जेक्ट का फोटो क्लिक करोगे डे लाइट में तो दोनों फोन बहुत ही सही काम करते हैं। आप देख सकते हो डिटेलिंग में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा एंड फोटो की क्वालिटी एकदम टॉप नॉच मिलने वाला है आपको। लेकिन मैं यहाँ पे फोटोज में कलर की बात करूँ तो डेफिनेटली आपको कलर में फर्क देखने मिलेगा। iPhone 12 एक्चुअल कलर निकाल के देता है काफी हद तक। डायनेमिक रेंज की बात करूँ तो iPhone 12 का ज्यादा बेटर है OnePlus 70 के कंपेयर, इसमें कोई डाउट नहीं है। पोर्ट्रेट शॉट्स आप देख सकते हो एंड समटाइम iPhone 12 में बहुत बड़ा इशू फेस होता है, एवरी टाइम ये प्रॉब्लम फेस नहीं होगा बट समटाइम डेफिनेटली होगा। iPhone 12 का जो पोर्ट्रेट कैमरा है ऑब्जेक्ट के एजेस को भी समटाइम ब्लर कर देता है एंड OnePlus 70 में टेलीफोटो लेंस देखने मिलता है। पोर्ट्रेट शॉट्स आप क्लिक करोगे तो 2x का जूम हो जाता है, यहाँ पे 51 mm का टेलीफोटो लेंस है तो उस लेंस पे शिफ्ट होकर काफी अच्छा रिजल्ट निकाल के देता है iPhone 12 के कंपेयर। अगर वाइड एंगल की बात करो तो iPhone 12 में 12 मेगापिक्सल का 13 mm का 120 डिग्री का वाइड एंगल लेंस देखने मिलता है जो कि OnePlus 70 से थोड़ा ज्यादा बेटर है। iPhone 12 में थोड़ा सा ज्यादा वाइड फोटो दिखेगा OnePlus 70 के कंपेयर। अगर कलर बैलेंस एंड एक्यूरेसी की बात करूं, डिटेलिंग की बात करूं तो डेफिनेटली iPhone 12 में बेटर है OnePlus 70 के कंपेयर। बाकी आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। फ्रंट कैमरे को मैंने उतना जज नहीं किया बट एक सैंपल आपके साथ शेयर करता हूं। iPhone 12 का फ्रंट कैमरा बहुत ही बेकार है ग्रुप फोटो लेते टाइम। ओके, नाउ जूम टेस्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगा iPhone 12 एंड OnePlus 70 के कंपेयर। आप देख सकते हो iPhone दोनों में ही 4x में वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है एंड मैं जूम कर रहा हूं, यहां पे 2x का ऑप्टिकल जूम सपोर्ट है OnePlus 70 में एंड iPhone 12 में सिर्फ 3x का जूम है। पता नहीं क्यों यहाँ पे जूम दिया ही क्यों है, 3x के जूम में क्या देखने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक्चुअल वीडियो आपके सामने है। डेफिनेटली यहाँ पे डिटेलिंग iPhone 12 में बेटर है एंड OnePlus 70 में अगर 2x जूम करेंगे तो डिटेलिंग बेटर होगा क्योंकि OnePlus 70 में 2x का ऑप्टिकल जूम सपोर्ट है। अगर मैं कलर एक्यूरेसी की बात करूँ तो दोनों फोन अपनी अलग ही दुनिया बना के रखे। फोकस टेस्ट भी मैंने ट्राई किया है दोनों फोन से, OnePlus 70 एंड iPhone 12 से, देखते हैं फोकस कैपेबिलिटी किस फोन की ज्यादा बेटर है। यह है बिहाइंड द सीन वीडियो एंड इसके बाद आपको एक्चुअल वीडियो देखने मिलेगा। दोनों फोन की फोकस कैपेबिलिटी बहुत ही तगड़ी है क्योंकि यहाँ पे बहुत ही सही कैमरा सेटअप देखने मिलता है दोनों फोन में। कोई डिले नहीं है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, इंस्टेंट फोकस हो जाता है iPhone 12 एंड OnePlus 70 के कंपेयर। तो ये था फोकस टेस्ट। अब शेयर करता हूँ 4K वीडियो एट 60
ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है आईफोन 12 एंड वन प्लस 70 के बैक कैमरे से 4K एट 60 FPS में, एंड जो ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है इन्हीं दोनों फ़ोन के इनबिल्ड माइक से हो रहा है। एंड आप वीडियो देखो, वन प्लस 70 में 16 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस देखने मिलता है। डेफिनेटली यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वन प्लस 70 से कुछ मैक्रो शॉट्स। यहाँ पे मैंने क्लिक किया है एंड आईफोन 12 से मैंने क्लिक नहीं किया है। रीजन, क्योंकि वन प्लस 70 में डेडिकेटेड मैक्रो लेंस है एंड आईफोन 12 से मैक्रो शॉट्स क्लिक करना वर्थ नहीं है एंड उतना अच्छा आउटपुट देखने नहीं मिलेगा। लेकिन वन प्लस 70 से आप डेफिनेटली मैक्रो फोटोग्राफी कर सकते हैं। ये है स्लो मो सैंपल HD एट 240 FPS में स्लो मोशन वीडियो आप देख रहे हो। लो लाइट कंडीशन में मैंने फोटो क्लिक किया है एंड आप देख सकते हो नॉर्मल फोटो मैं क्लिक करूंगा एंड एक पोर्ट्रेट फोटो क्लिक करूंगा एंड आपके साथ शेयर करता हूं। एंड अगेन यहां पे डिटेलिंग आईफोन 12 में ज्यादा बेटर है एंड फोटो की क्लैरिटी दोनों में सही है, कलर बैलेंस भी सही हुआ है दोनों में एंड ये फोटो भी आप देख सकते हो। अगर नाइट मोड की बात करूं तो दोनों फोन में डेडिकेटेड नाइट मोड का ऑप्शन देखने मिलता है। कैमरे में मैंने फोन को ट्राइपॉड पे रख दिया है, एक्सट्रीम डार्क सीन है आप देख सकते हो एंड मैं फोटो क्लिक कर रहा हूं। अगर आप फोन को स्टेबल रखते हो, ट्राइपॉड पे स्टैंड करते हो तो डेफिनेटली आईफोन से बेटर रिजल्ट देखने मिलेगा नाइट मोड में। वन प्लस 70 ने भी बहुत सही काम किया है, फोटो को काफी सही प्रोसेस किया है एंड फाइनल आउटपुट हमें, अगर डिटेलिंग की बात करूं तो फोटो में वन प्स 70 ने काफी सही डिटेल दिया आईफोन 12 के नाइट मोड के कंपेयर। दोनों फोन से नाइट मोड में काफी सही एंड क्रेजी फोटो आता है नाइट मोड का, बट वन प्लस 70 एक स्टेप आगे आईफोन 12 के नाइट मोड के कंपेयर। आई होप गाइस आपको ये कैमरा कंपैरिजन पसंद आया होगा, तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसे ही इंटरेस्टिंग मजेदार कंटेंट मैं लाता रहता हूँ इस चैनल पे, तो सपोर्ट करो। मिलेंगे अगली वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय गाइस।